नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। फलकनुमा मदीना कॉलोनी की आवाम करंट जाने की शिकायत कर रही है। उनका कहना है कि खासकर सहरी और इफ्तार के वक्त करंट बंद किया जा रहा है और कई बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को शिकायत की गई, लेकिन उन लोगों का कहना है कि करंट ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से लोड बढ़ रहा है, इसी वजह से ये लोग करंट बंद कर रहे हैं और ऐसा कहकर ये अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि हम वक्त पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बनते हैं, फिर भी हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने क्राइम टुडे न्यूज़ के जरिए हुकूमत के आला अहदेदारों से मदद की गुजारिश की। मैं हमीद के साथ, मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। में रहते हैं, रमजान शुरू होने से पहले से। कॉलोनी का नाम क्या है? मदीना कॉलोनी, फलकनुमा, पेंशन पेमेंट ऑफिस के करीब। हर 10 मिनट को लाइट आती, आधा घंटा चले जाती। कॉल करते कंप्लेंट नहीं लेते, अगर कॉल लग गया तो बोलते अभी आदमी को भेजा रहे हैं। आदमी आता, काम करता, चले जाता, फिर 10 मिनट में लाइट चले जाती। फिर बोलते हैं कि फ्यूज का प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका। ऐसा कब से हो रहा? ये तकरीबन रमज़ान शुरू होने से पहले से शुरू हुआ और अभी तक उसका सॉल्व नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम हो रहा, क्या क्या एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हो रहा वहाँ पे, और कि फॉल्ट क्यों नहीं निकलता ये। अब फ्यूज जो है ना पिघल के गिर जाता, बोलते तीन तीन घंटे, चार चार घंटे लाइट चले आ रही और इतनी तकलीफ हो रही, इतनी तकलीफ हो रही ना। रमज़ान में औरतें पका सक रहे ना, जो है ना इफ्तार कर सक रहे ना, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहीं पे भी फ़ोन करे, अभी आ रहा आदमी, अभी आ रहा आदमी। कल जो है गुजरा हुआ, कल 6 घंटे के बाद लाइट आई, 6 बजे जाके रात के 11 बजे के बाद लाइट आई और कोई सुनवाई नहीं है हमारी। लाइट के ताल्लुक से, पावर के ताल्लुक से, पानी की तकलीफ हो जाती है। अगर लाइट बंद रही तो पानी पंप नहीं होता और घर में जो है ना खवातीन परेशान है। और गर्मी का ये आलम है कि बाहर भी आके बैठे तो जो है ना गर्मी जो है ये आलम है, औरतें भी बाहर आ जाना चाह रही थी। अगर गर्मी कैसा रही है घर में बोले, अब हुकूमत से क्या चाह रहे? हुकूमत से और बिलखसूस मैं खाजा पहाड़ी यही से गुजारिश करूँगा, कंसर्न यही से गुजारिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें और इसको जो है ना ख़त्म किया जल्द से जल्द, ताकि रमज़ान कम से कम आराम से गुजरे हम लोगों का। मेरी वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू द एई आल्सो टू प्लीज़ टेक पर्सनल एक्शन इन दिस एरिया, स्पेशली मदीना कॉलोनी एंड स्पेशली वन पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर विच इज़ कनेक्टेड विद ऑल कनेक्शन विद दैट ट्रांसफार्मर, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। बस रमजान से यही कहते थे भाई, लाइट का मैं 25 साल का आदमी, बाहर बैठना पड़ रहा मेरे से, तो बीमार आदमी हूँ मैं, कैसा करूँगा बोला। आप लोग अपना एहसास करना चाहिए, कल बोल लाइट बनाते बोल के चल के आज बनाना चाहिए था, आज दिन तक बेकार बैठे बात करने की तकलीफ हो रही है। कितने दिन से नहीं आ रही लाइट? 5 दिन से लाइट नहीं, 12 बार नहीं। कंप्लेंट कर रहे थे आप लोग? कंप्लेंट करते हैं, 25 कंप्लेंट ना मेरे पास जी। क्या बोले वो लोग? क्या बोले, क्या बोले वो लोग? कंप्लेंट करे तो अच्छी बात देखेंगे। आज नंबर ले रहे हैं, जो करते कर लो भाई। मैं मेरा